तो गाइस कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही ठीक ठाक होंगे। सो गाइस आज के इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टैबलेट के बारे में बात करेंगे, जिसका यूज़ डोज इसका साइड इफ़ेक्ट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहिए। आप लोग पहले भी इसका नाम सुना होगा और पहले भी आप लोग यूज किया होगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। एसिक्लोफिन प्लस बेनिफिट्स एंड यूज इन हिंदी। दोस्तों एसिक्लोफिन की अनुशंसा दर्द युक्त रूमेटिक स्थितियों जैसे कि असिस्टियो अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस और केलोजिंग स्पंडिलाइटिस में की जाती है। यह दर्द को घटाते हुए सूजन को कम करता है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसे कि किसी को सिर दर्द होती है या फिर किसी को बुखार, दोस्तों किसी को दर्द होती है या फिर किसी को मोच होती है, किसी को मांसपेशी में दर्द बहुत होती है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे ऑसिस्टियो अर्थराइटिस की शिकायत में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जोरों में दर्द किसी को होती है तो उस कंडीशन भी आप इसका यूज कर सकते हैं। रूमेटाइड अर्थराइटिस, किसी को बदन दर्द, दोस्तों किसी को घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, किसी को कलाई में दर्द होती है, और भी स्थितियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में, इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स या कॉन्टेंट्स डाला हुआ है। तो गाइस देख सकते हैं एसिक्लोफिन एंड पैरासीटामोल डाला हुआ है, बहुत ही आसानी से मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे इसका कंपनी के बारे में, तो गाइस देख सकते हैं मार्केट बाय इकोजेन, ये डिवीजन ऑफ गल्फा लेबोरेटरीज लिमिटेड ने मैन्युफैक्चरिंग किया। बहुत ही अच्छा कंपनी है, बहुत ही पुराना कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करेंगे इसका प्राइस के बारे में, तो गाइस देख सकते हैं 69 रुपीज़ में आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी, बहुत ही आसानी से आप वहाँ से खरीद सकते हैं या परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे इसका यूजेस के बारे में। दोस्तों ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में मिलने वाली दवा है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसका यूज ना करें अन्यथा गंभीर हो सकता है। दोस्तों डॉक्टर आपको दिन में 2 टाइम प्रिस्क्राइब करते हैं, सुबह और शाम में यूज कर। दोस्तों एक्लोफिन प्लस साइड इफेक्ट इन हिंदी। दोस्तों एक्लोफिन के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो इस प्रकार आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है, जैसे सीने में जलन, लीवर की क्षति, दोस्तों किसी को एनीमिया, बदहजमी, मेनिनजाइटिस, एडिमा, पीलिया, दोस्तों किसी को कब्ज, पेट दर्द, एरिथमा, मतलिया, उल्टी, चक्करना, दस्त, लाल चकती, सूजन, थोड़ा सा ये सब आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों एक्लोफिन प्लस कंट्राइंडिकेशन इन हिंदी। दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसमें आप इसका यूज नहीं कर सकते, जैसे कि एलर्जी, पेट में अल्सर, अल्सर, हार्ट फेल होना, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। अगर आपको इस पहले से बीमारी है तो प्लीज़ इसका यूज ना करें, अन्यथा गंभीर हो सकता है। दोस्तों डॉक्टर उच्च समझे तो आप इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, कॉमेंट, शेयर कीजिए, और इससे भी अच्छे अच्छे मेडिसिन के बारे में जानने में अगर आपको इंटरेस्टिंग है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी वीडियो को वॉच करें, पूरा वीडियो वॉच करें, तभी हमको मोटिवेशन मिलेगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।